अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर मेरे भाइयों दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक, खुश हो? सब खैर खैरियत से हो? तो आज का सुबह जो है हम लोग ने 7 बजे उठ के स्टार्ट किया है। चाय मैं पी ली खैर से। यहाँ पे कामराम भाई जो है ना लेटे हुए दरख्त के नीचे। यार रात को बहुत सर्दी थी और जो दिन हुआ धूप निकल गई यार, बड़ी जलने वाली धूप है कसम खुदा की। मतलब साए में बंदा बैठे फिर भी बंदे को फील नहीं होता है, बड़ा मज़ा आता है। साए में तो ठंड होता है। और खैर दूसरी बात, यहाँ पे हम लोग आए थे एक पॉइंट के लिए जहाँ पे झील है, लेकिन वो झील मैंने जब ड्रोन उड़ाई तो वहाँ पे जब चेक किया, हमें बंदों को ले मतलब टूरिस्टों को लेके जाते हैं वहाँ तक, फिर वापस ले आते हैं, नथिंग स्पेशल। इसी वजह से हम लोग यहीं पर अभी दोस्त लोग उठ जाएँ सारे, नाश्ता वाश्ता करके फिर निकलते हैं दोसाई की तरफ। आई होप कि दोसाई की तरफ कुछ अच्छे पॉइंट्स हो। रास्ता तो लंबा होगा, मेरे ख्याल से 3 घंटे का सफ़र होगा, और वहाँ पे जा के देखते हैं अगर इसी तरह का माहौल है, इसी तरह का मतलब व्यू होगा, खूबसूरती होगा, तो हम लोग शायद वहाँ पे कैंपिंग कर लें। शायद कंफर्म नहीं है क्योंकि टारगेट हम लोग का जो है ना वो स्कर्दू है। स्कर्दू है ना, स्कर्दू हमें जाना है। हाँ तो कामराम भाई, आपका क्या राय है इस जगह के? यार बस बहुत प्यारी जगह है भाई, बहुत ही प्यारी जगह है। बस इंजॉयमेंट के लिए, कैंपिंग के लिए, रिलैक्समेंट के लिए, तो जो भाई भी आना चाहे। लेकिन ये काफ़ी ऊंचाई पे बाबू सर की ऊंचाई से भी काफ़ी ऊंचाई, तो हमें तो बहुत पसंद आया, बहुत इंजॉय किया। बाकी आप लोग देख लें, कुदरत का नज़ारा आप लोगों के सामने है। हाँ, यहाँ से हम लोग जब जाएंगे ना वापसी पे, वहाँ पे भी कुछ अच्छी जगह है, बड़े ज़बरदस्त पिक्चर लेने के लिए, बड़ी खूबसूरत जगह है। मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे आप बाहर मुल्क में, कसम से बाहर मुल्क में। बस हमारी हुकूमत ज़रा हिम्मत करे, मतलब इससे जो पीछे जो जगह आता है वहाँ पे पोलो, मेरे ख्याल से पोलो जो घोड़ा हॉर्स राइडिंग कुछ इसी तरह है वही है। और हमारे जो बंदे हैं राशिद साहब ने जूते पहने हुए, मेरे ख्याल से अभी जाना चाहता है, कहता है मैं जाऊँगा पहाड़ के ऊपर चढ़ूँगा। मैंने बोला जाके चढ़ो, देखते हैं कहाँ तक जाते हो आप। चलें जब तक दोस्त उठ जाए, हिसाब किताब बराबर कर लें, और मैं आप लोग को दिखाता हूँ जो ड्रोन के शॉट्स मैंने यहाँ पे लिए, चेक करें ड्रोन के शॉट्स, उसके बाद वापस मिलते हैं। भाई पैकिंग वैकिंग हो गए, आज हमारे साथ है ये इनायतुल्ला जी भाई। अल्लाह अल्लाह ये भाई इनायतुल्ला भाई थे भाई। और यहाँ भाई भाई इसने नया दोस्त बनाया हुआ। ये खिला रहा है इसको, देखो ये भी डरेगा। पप्पी दोस्त का सर पे आजा। हाँ और खुश रहो, मेहरबानी, आमीन आमीन। मैं डरो तो भी खैर गाड़ी का पार्किंग हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। बज रहे हैं 1:26 PM और अभी मैं खैर से यहाँ से निकलना है, हमें जाना है दोसाई।
शहर से देखते हैं दोसा ही है, क्योंकि यहाँ से उतरने के लिए तकरीबन मेरे ख्याल से 35 से 30 मिनट लगते हैं। वो तो तकरीबन मेरे ख्याल से 8 किलोमीटर इसी तरह उतराई, लेकिन जो मोड़ हैं, जो रास्ते हैं, अगर सामने से गाड़ी आया फंस गए आपको रिवर्स, आपको बैक साइड जाना पड़ेगा या उसे जाना पड़ेगा ताकि एक दूसरे को रास्ता देने के लिए। फिर वहाँ से मेरे ख्याल से अस्तौर नीचे में, अभी तो हम लोग रामा में, रामा से यहाँ से अस्तौर जाना पड़ेगा 35 से 30 मिनट का रास्ता है। फिर वहाँ से अल्लाह पाक आप लोग को ज़िंदगी दे, सेहत दे, हमें जाना होगा क्या नाम है दोसाई, क्योंकि यहाँ के जो पीछे के रास्ता है बड़ा गर्म, मौसम भी बड़ा गर्म है, खुश्क है और खुशगवार मतलब पहाड़ी है, खुश्क पहाड़ी है, मतलब ना सब्ज़ है ना कुछ। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारे बर्फ़ बर्फ़ है, दरख्त है, ये बड़ा मज़ा आया रात को यहाँ पे स्टे करने का, लेकिन इतना वो डांस कर रहा है वहीं पे, उसके लिए म्यूज़िक चालू है, डांस कर रहा है, मलंग बंदा है। अच्छा अपना नाम भी मलंग बोलता है। तो खैर फिर अस्तौर से मेरे ख़्याल से दोसाई तकरीबन 3 से 2:30 मतलब 2.5 घंटे का सफ़र है वो। खैर से एक दफ़ा उतरेंगे वहाँ से, गूगल मैप पे चेक करेंगे कि क्या बता रहा है, क्या कितने घंटे का रास्ता। कोशिश हम लोग का यही है कि हम लोग एक जगह पे, अभी तक हमें वो पॉइंट नहीं मिल रहा है कि हम 2 दिन या 3 दिन वहाँ पे स्टे करें, तो इसी वजह से इंशाल्लाह वहाँ पे जाएंगे। खैर से देखेंगे दोसाई में किस तरह है, मौसम किस तरह है और क्या व्यूज़ हैं। पॉइंट्स बहुत है ताकि बंदा एक जगह पर स्टे करे, ताकि दूसरे पॉइंट में हाइकिंग पर बंदा चला जाए इंशाल्लाह। अभी देखते हैं खैर से यहाँ से, अभी एक दफ़ा यहाँ पैकिंग सारे सब कुछ फारे हो जाएँ, खलील भाई भी आ जाएँ, स्टार्ट कर लें गाड़ी, पानी रेडिएटर के भी चेक करना है, शहर से बातें पहले निकलने से पहले सब कुछ चेक करना है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह निकलते हैं और आप लोग को आगे का सफ़र भी दिखा देते हैं। भाई अभी हम लोग निकल रहे हैं खैर से, ये रास्ता है आप लोग चेक कर लें। दोस्तों अभी हम लोग जो है ना जा रहे हैं दोसाई की तरफ और अस्तौर वैली, अस्तौर वैली जो आप देख सकते हैं रोड है बड़ा खतरनाक रोड है। यहाँ पर मैं अपने आइडिया से मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, यहाँ पे छोटी गाड़ियाँ सेट नहीं है, आप लोग छोटी गाड़ियाँ लाएंगे चाहे जितने भी नई गाड़ी हो, एट द एंड इंजन या गरमाइश जो है ना गाड़ी की वो ज़्यादा हो जाएगा, क्या नाम है बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे चढ़ाई उतराई, चढ़ाई पे भी आपको 4x4 यूज़ करना पड़ेगा,
उतराई पे भी आपको 4x4 की किस लिए 4x4 उतराई पे से यूज़ करते हैं ताकि वो गाड़ी को रोकते रखते रहे, ताकि आपके ब्रेक पैड जो है ना वो ख़राब ना हो और गर्म ना हो। अभी हम लोग निकले हुए यहाँ पे सारा भाई चढ़ाई चढ़ाई से वेले 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 अस्तो वेले, इस जगह का नाम है, इस रोड का नाम है। और यहाँ का धूप आए आए बंदे को कबाब बना देता है, कबाब। बंदा भी हैरान हो जाता है कि क्या नाम है ये, दो शेट बंदा किस तरह देता है। हम लोगों ने गर्मी भी है, धूप गर्म है, चाव आ जाता है भाई, गर्मी नहीं हो, गर्म फील नहीं हो, लेकिन धूप जब होता है ना वो सही बेड़ा गर्म कर देता है। और फिर यहाँ पर अल्लाह इसको खुश रखे भाई, सारा जोर इसके ऊपर है। मैं ज़रा देख लूँ ये लाइटिंग डार्क ऐसी हुई जैसे शेडो उसके ऊपर है, वो तो भाई ऐसी कर रहे हैं। खैर वो ख्वार भी हो रहा है, ड्राइविंग भी कर रहा है, वो तो उसका आग बनता है। हमारे तरफ तो भाई सारा धूप ही धूप है भाई, देख जल रहे हैं हम यहाँ पे, जल रहे हैं, जल जल रहे हैं। लेकिन है बड़ा ज़बरदस्त सफ़र, ज़बरदस्त भी है, ख़तरनाक भी है, 2-in-1 है, मतलब एडवेंचर का एडवेंचर और ख़तरनाक का ख़तरनाक भाई। ये भी जो जब ना रास्ते कड्ढे के जब ये काई की तरफ करीब हो जाता है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा सांस बंद हो जाता है। नीचे भी दिखा दे कि नीचे क्या सूरत हाल है, कितने हाइट कि हम कितने हाइट पे जा रहे हैं। इधर से जो गिर गया ना, जो गिर गया ना वो बाय 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 बाय, सीधा नीचे फिर ऊपर। हाँ स्टैंड बराबर हो गया, अभी सीधा है ना, मुझे लग रहा है कि भाई ये सीधे ब्लॉक कर रहा है। तो वैसे एंजॉय तो कर रहे हैं हम बड़े, बस ये जो धूप है ना ये हमें मतलब जला रहा है। आज हम लोग ने गलती कर, रात को हम लोग ने ये गलती की, हम लोग ने कैंप लगाए रात को, बहुत 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 बेइंतहा सर्दी थी, तो हम लोग ने गलती ये कि हम लोग ने दरख्त के नीचे नहीं लगाया। अगर दरख्त के नीचे लगाते सुबह जो है ना धूप टेंट को ऐसा गरमाइश दे रहा था कि पूछे मत। और मेरा खुद का जो हाथ है ना वो माशाल्लाह दो रंग हो गया इसके, दो टू कलर्स, दो शेड्स दे रहे हैं। इधर देख रहे हैं आपको, इस भाईजान को देख रहे हैं, देख रहे हैं इसने अपने आप को छुपाया हुआ है, ये भी सही जला हुआ है, सही जल गया हुआ है, सही जला हुआ है। बस अल्लाह खैर खैरियत से हमें पहुँचा दें अपने मंजिल तक। और ये बता रहा है 95 किलोमीटर्स का सफ़र है और 2 hours, 2.5 hours का जो है सफ़र है, मतलब 95 किलोमीटर्स रह रहे हैं और 2.5 hours हमें पहुंचने में लगेंगे, अभी टाइम हो रहा है। हाँ हमें एज पर गूगल हमें बता रहा है कि हम 5:30 को पहुंचेंगे। कल रामा में बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया था, तो खैर रामा का जो मैं किस्सा कह रहा था, रामा जितना ख्वारी बंदा कर रहा है, मतलब जो रास्ते के लिए वो आ रहा है, वो पॉइंट नहीं है जो मतलब जो रोडें हैं सड़कें जो इतना ख्वार हो कि आप अजाब में आ जाते हैं, सच सी बात है, मतलब वो पॉइंट नहीं है। मस्तूर एक शहर है, खूबसूरती एक नज़ारा बंदा देख सकता है, लेकिन अगर बंदा कुछ फैमिली आया, मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ वहाँ पे, क्योंकि रास्ता भी ख़तरनाक है और छोटे गाड़ियों का बिल्कुल रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आ रहे थे। मैंने देखे 2-3 फैमिली आए थे छोटे गाड़ियों, वो गाड़ी भी फिर किस साल में होगा कि अल्लाह जाने। तो मैं आप लोग को सजेस्ट नहीं करता हूँ अस्तूर और अस्तूर पे आके और रामा जाएं, टॉप पे पॉइंट पे जाएं, वो भी काफ़ी हद ऊपर है, बहुत ही ऊपर है, तकरीबन आप लोग देख सकते हैं पीछे जो पहाड़ है ना चार, इससे भी ऊपर है वो है। मैं आपको भी वो पहाड़ को देख रहे हैं, वो बर्फ और पहाड़ देख रहे हैं, उसके करीब है भाई, उसके करीब नाजायज़ है। जो व्यू जो पॉइंट वो नहीं है, कैंपिंग लगाए इन लोगों ने, बस आके जाके एक झील है वो देख ले फिर आ जाए। सो मेरे अगर मेरे सजेशन आप सुनेंगे तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ कि वहाँ पे जाए, मेरा मशवरा यही है, बाकी आप लोग बेहतर जाने, हर किसी का चॉइस होता है। अभी हम लोग जाएँ दोसाई की तरफ, देखते हैं दोसाई में क्या हिसाब किताब है। दोसाई गए हो पहले? फर्स्ट टाइम सब लोग जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम। ये भी रास्ता है, बहुत ही खूबसूरत, अभी यहाँ पर उतराई शुरू,
नहीं सही बंदे को जला देता है, पका लेता है, फुल पका लेता है, फुल होता है हाफ फ्राई, ये फुल फ्राई कर लेता है बंदे को, फुल फ्राई, फुल फ्राई बंदे को कर लेता है भाई। फ्री 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 ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट भाई, घुमा रहा हूँ मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। वो इतना जल्दबाजी है यहाँ पे ना कि पूछो मत भाई, पहले रास्ते देखो, साफ किताब देख लो, फिर आगे वाले बंदे को भाई आराम दो, ताकि हम लोग जो ना सफदर रोड पे जा रहे हैं रास्ता नहीं दे रहे हैं, थोड़ा गलती हो गया क्या गया फिर गाली नहीं लगी, वो होता रहता है ये जो है ना। तो ये सफदर रोड पे चलने आ रहे हैं, तो भाई हम लोग रुक गए हैं यहाँ अस्तोर से बाहर, हर किसी को फ्रेश होना है, फ्रेश हो जाए यहाँ पे, तो हम लोग हो गए। ये अस्तोर से नहीं, अस्तोर से आ गए अभी, अस्तोर का गोरीकोट नहीं, अस्तोर डिस्ट्रिक्ट था ये, फुल अस्तोर का बाजार जो था, हम लोग जो अभी निकले उस उधर से यार, वहाँ से एक उस तरफ से जो पानी आ रहा था, दूसरे पहाड़ की उस तरफ से पानी आ रहा था, फुल सफा पानी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई पूरा मिट्टी वाला पानी, भी अजीब सिस्टम है। अभी हम लोग जा रहे हैं दोसाई की तरफ, या अल्लाह बस ये धूप ख़त्म हो जाए, साया हो सामने, कसम खुदा की फुल जल गए, अलगे रंग दो शेड भाई, देखो कसम से दो शेड, ये देखे आप गौर कर रहे हो, देखो दो शेड, अंग्रेज ऐसे ही आते हैं समंदर पे अपने आप को टैन करने के लिए, भाई आ जाओ यहाँ पे, पूछता हूँ आप लोग से, यहाँ पे आ जाओ, इधर आ जाओ, मैं यहाँ पे आ जाओ, ऐसे ज़बरदस्त तरीके से धूप आपको टैन करेंगे, मैं पूछता हूँ आप लोग से। हाय 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 हाय, हमारे शेर 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 भाई, हम लोग की शेर, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये 1984 है, 1984 V6 डीजल टर्बो, ये कौन से है, FJ क्या है, FJ45 1984। इसे जब मैं आया था दुबई से पाकिस्तान, तो खलील भाई को कहा था कि हम लोग निकलेंगे, तो खैर एक और गाड़ी भी देख ली थी, लेने वाले थे RKR, जिसको RKR कहते हैं, लैंड क्रूजर, जो थ्री डोर होता है लॉन्ग चेसिस में, तब वो लेने वाला था, क्योंकि बहुत टाइम लगा। इसे 25 दिन में हम लोग ने रेडी की, 25 दिन में, इवन सब कुछ, नीचे से बाहर से अंदर से सब कुछ चेंज। हाँ रास्ते में हम लोग आए, वो कमानी वाले ने जो बंदे था उसने बनाया था, सही तरीके से नहीं बनाया था, बस अल्लाह उसे हिदायत करे, पैसे भी उसने लिए लेकिन बनाए सही नहीं। फिर इस्लामाबाद में हम लोग ने राइट साइड की कमानी बना ली, फिर यहाँ पे हम लोग गिलगित इस वजह से स्टे किए होटल में, उधर भी हम लोग ने जो है ना लेफ्ट साइड की कमानी वो बना दी, अभी हम के लिए, क्योंकि ये कोच वाले जो है ना बड़े, अल्लाह माफ़ करे, अभी क्या बताऊँ मैंने, ये चलाते ऐसे चलाते कि जैसे छोटा सा कार मोटर इनके पास चला रहे हैं, ऊपर से दुनिया के पैसेंजर्स बैठे हुए, उनके भी जान उनके हाथों में बेड़ा गर्क कर लेते हैं। एनीवे नज़ारे देखे, मनाजिर देखे, आगे के इंशाल्लाह रास्ता बचाया हुआ वो भी हम लोग इंजॉय करके चले जाएँगे। और यहाँ के लोग कसम खुदा की बहुत 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 ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, कसम से जितना भी तारीफ करो, ये गिलगित बल्तिस्तान के ना बहुत ही प्यारे, अस्तोर हो गिलगितिस्तान हो, बड़े प्यारे, बड़े मेहमान नवाज हैं, बहुत ही मेहमान नवाज हैं, सच में बहुत ही अखलाक तरीके से पूछते हैं जो भी है, चाय माए, इवन आप यकीन करें कल हम लोग ग्रोसरी ले लेते हैं ना, इन लोगों ने कहा, कहते सर नहीं आप लोग मेहमान हैं, आप लोग कोयटा से बल्तिस्तान से आए, ये हम नहीं लेंगे भाई, ज़ोर ज़बरदस्ती कहते चलो ठीक है, आप चाय पानी ठंडा जो भी है आप लोग हमारे पास, हम आपके हमें मौका दें, हम आपके मेहमान नवाजी करें, खिदमत करें। मैंने बोला अल्लाह आप लोग को खुश रखे। सीरियसली ये मैं बात बता दूं, यहाँ के लोग गिलगित बल्तिस्तान के लोग बड़े प्यारे हैं, बहुत ही, लेकिन वो नारान में नहीं, आई एम सॉरी नारान ज़ीरो में उसे देता हूँ ज़ीरो, और बाबूसर में भी रूट
बहुत ही रूड है, बहुत रूड है, बहुत बहुत ऐसे रूड है कि बंदा हैरान हो जाता है इनके ऊपर। जैसे कि हम उसे चीज़ ले रहे हैं, वो हमें पैसे दे रहे हैं। बस खैर जो भी है, आगे का सफ़र अभी बाबू दोसाई वहाँ पे भी देखते हैं किस तरह के हैं। चलो फिर मिलते हैं आगे। भाई हम लोग तकरीबन आधे घंटे तक हम लोग जो है ना गलत रास्ते से जा रहे थे, जो एक यहाँ से साफ नहर जो जा रहा चीज जो जा रहा है हमें असल से यहाँ से जाना था। हम गए काफ़ी कौन से इलाके लेके इलाके नागन नागल नागा वही है वो असल में उस लिए उस तरफ जा रहा था। और अभी हम लोग सही रास्ते पे आए, वो भी अल्लाह का शुक्र है एक बंदा मिला, कुदरती नेट भी चला गया तो ये गूगल मैप जो है ना पागल हो गया। तो मैंने लोग बंदे को रोका, मैंने कहा सर ये दोसाई का रास्ता कहते हैं आप लोग गलत जा रहे हो। मैंने बोला किस वो तो पीछे की तरह था। फिर हम लोग आ गए अभी वापस, जिधर तक हम लोग आए थे ये समझो कि हम लोग तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर जो है ना पीछे की तरफ गलत गए। चलो खैर इसी में खैर, हर चीज़ में बेहतरी है अल्लाह की तरफ से। तो अभी खैर से हम लोग जा रहे हैं, आप रोड यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ के भी रोड यहाँ का साफ वही चीज़ साफ हुआ है, इधर फुल मिट्टी वाला था साइड में, यहाँ पे फुल साफ नहर वही साफ नहर है माशाल्लाह, पीने वाला पानी है भाई। मैंने तो पिया है वहाँ पे, हम लोग रामा पे रुके थे, हम लोग वहीं से पानी पी रहे थे, कुकिंग वुकिंग सब कुछ उसी से। और इस बंदे ने ये भी बताया, कहता है सर आप लोग जो है ना आप लोग देवसाई में जो है ना आप लोग कैंप ना लगाएं, वहाँ पे बर्फ़ है, बहुत सर्दी है। तो कहाँ कहाँ चिल्तन ना चिलन चिलम चिलम का जगह का नाम लिया ना चिलम या चिलन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहीं पर। और ये बोट देखे सर, बोट देखे आप लोग वही आगे देखते हैं, आगे कुछ जगह देखते हैं कि अच्छी जगह मिला तो हम लोग एक ड्रोन शॉट भी ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि बड़ा प्यारा जगह है, खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत सा नहर जो जा रहा है हम लोग के पास। भाई देखो जो भी मैं मिस्टेक कर लेता हूँ ना तो उर्दू में, तो आप लोग बड़ा मेहरबानी करके कमेंट में मुझे बताया करें। और हाँ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उस पर आप मिस ना करें। मिलते हैं आगे अगले स्टॉप। हम लोग रुक गए हैं रज़ा एलियंस, अल्लाह जाने जगह का नाम, ज़िला स्टोर तहसील शोन यूसाई रोड पानी क्या। खैर रुके यहाँ पे, अभी कुछ खा लेंगे, रेस्टोरेंट है यहाँ पे आप लोग देखते हैं। देख तो भाई देख
पाकिस्तान अब इस तरह जाएं जरा खाना माना खा लें। वैसे भी हमें हम पहुंचेंगे लेट ही। मैं अपना फोन निकालूं तो गाड़ी भी खुला हुआ है। अपना फोन उठा लें जरा। हाँ भाई, हाँ कमरान सर, खाना खा शुरू करो ना, लगा ले आप। क्या क्या बताया आपको? भिंडी और कमरान, भिंडी 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 और चिकन क्या है? चिकन कौरमा क्या है? सालन दिखाए ज़रा। हाँ भाई देख लेते हैं, खाना भी देख लें भाई लोगों का। इस जगह का नाम क्या है? ककन। हम ककन में, आपके नाम? रियाज भाई के साथ यहाँ पे। किधर दिखाएं सर, देख सकते हैं? अगर आपको एतराज ना हो। सर अच्छा ऑर्डर है सर जी। क्या चिकन? चिकन दिखाओ। ये भिंडी है। ये भिंडी भाई। आपका नाम सर? शहजाद। शहजाद भाई, तो ये है चिकन, जबरदस्त भाई, सालन वाली जबरदस्त। ये आपको छोले हैं सर? छोले नहीं, बस भिंडी और चिकन। कितने कितने प्लेट है? यार अगर आ जाए पूछ रहे, चिकन तो एक ही प्लेट होगा, भिंडी भिंडी मेरे ख्याल से दो प्लेट होंगी। ठीक है, चलो देखते हैं, हम लोग आ जाएंगे। और रोटी आप लोग? तो रोटी तवे वाली, तवे वाली बस ज़बरदस्त। लगा ले, बिस्मिल्लाह कर ले। फिलहाल एक एक लगा लें, एक एक प्लेट लगा लें, गर्म कर लें। खलीला, भिंडी दो प्लेट या एक प्लेट? चिकन मैंने बोला एक प्लेट, भिंडी एक प्लेट, दो प्लेट। खालिक देखा, मैंने देखा। चलो एक एक लगा ले, एक एक भाई। अंदर जगह है? अंदर जगह है, चलो भाई अंदर। वो ज़बरदस्त सा भाई जगह है, आ जाओ भाई, ज़बरदस्त जगह है। किधर बैठना है? बड़ा जगह है, जगह बड़ा है। हम आपके मेहमान हैं, आप बैठे इधर। आज सर तो भाई यहाँ पे हम लोग ने पार्क किया है, तो ताकि दोस्तों को तस्वीरें मस्वीरें लेने। देख सकते हैं आप लोग किस तरह सनशेड आ रहा है उस तरह। ओह माय गॉड यार, नेटवर्क भी आ गया माशाल्लाह, ज़बरदस्त। टावर ऊपर है, 3G यहाँ पे शो कर रहा है। चलो ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह।
मजेदार मजेदार जी मजेदार। भाई हम लोग आ गए हैं चिलम, चिलम से हम लोग जो है ना दोसाई नेशनल पार्क के एंट्री ले ली, चेक पोस्ट से एंट्री ले ली हम लोग ने। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से हम लोग से 1800 रुपये मतलब चार्जेस लिए हैं, किस चीज़ के अल्लाह जाने, कहते हैं नेशनल पार्क है। अब यहाँ पे नेशनल पार्क किधर है मैं नहीं जानता, नेशनल पार्क है। अभी वहाँ से नीचे से जो मोटरसाइकिल जा रहे थे वहीं से चेक पॉइंट आता है। अभी अल्लाह जाने के सही है कि सही नहीं है। खैर 1800 रुपये तो ऐसे ही चले गए, खैर है उसके बावजूद कहता है थोड़ा बहुत कुछ और है तो दे दो यार, ईद आ रहा है हम लोग को ईदी भी दे दो। मैंने बोला भाई जा मैं खुद ट्रिप पे निकला हूँ, अभी मैं कितना कहता है हज़ार एक एक हर बंदे को हज़ार। मैंने बोला बस हाँ क्या है वो हज़ार कहता है ईदी दे दो। मैंने बोला भाई जान हम लोग जो ट्रिप पर निकले हम लोग का बेड़ा घर खुद हुआ है और मैं आपको हज़ार रुपये दूँ। जल्दी से पर्ची उठाया खलील भाई को दिखा रहा हूँ, तो खलील भाई कहता मैंने बोला यार पर्ची देखो बस गया गाड़ी में बैठो बस निकलो। खैर से वही लंबा रास्ता है, खैर से हम लोग पहुँचेंगे इंशाल्लाह, लंबा रास्ता है खैर से पहुँचे, अल्लाह खैर से पहुँचे। अभी देखते हैं आप लोगों को दिखाते हैं ये रास्ते, ये ट्रैक जो जिस ट्रैक पर हम लोग जा रहे हैं सर्दी भी है। माशाल्लाह खूबसूरती से कहते हैं, कौन कहता है कि मैं खूबसूरत इसी जगह से खूबसूरत नज़ारा है। माशाल्लाह हम एक्चुअली यहाँ पर कैंपिंग करने का पूरा इरादा था, लेकिन हमारे बहुत से सिलेंडर है उसमें गैस ही करना और दूसरी बात लकड़ियाँ भी हमारे पास है, हम कैंपिंग कर रहे हैं यहाँ पर कैसे नज़ारा की जाए। देख सकते हो यार मैं हैरान हूँ पाकिस्तान क्यों अपने इस नॉर्थ साइड पे इतना स्पीक करता है, खुदा की कसम ये यूरोप से कम नहीं है, यूरोप कुछ भी नहीं है इसके साथ। ठीक है ना, खुदा की कसम वल्लाह की कोई आपकी तरफ आ जाए, वैसे भी नेटवर्क भी नहीं है माशाल्लाह। एस कॉम का टावर लगाया हुआ है जिधर जगह है उन लोगों का बस, और आगे ज़रूरत नहीं है, आगे लगा हुआ एमरजेंसी, खुदा ना खासा एमरजेंसी हुआ बंदा क्या करेगा भाई, सोचो भाई सोच लो। अजीब लोग हैं, अजीब रास्ते ने यार, आगे से गाड़ी आए ना यहाँ पे, अगर गाड़ी आया ना बस एक बंदे का, एक ही गाड़ी का रास्ता है। अभी वहाँ से गाड़ी आ रहा है वो पता नहीं कितना दूर है, अभी उसके आने से पहले या वो एक साइड पकड़ेगा खुला रास्ता हो या हम पकड़ेंगे ताकि फिर दूसरा क्रॉस कर सकें। ये देखने पर ये अच्छा मोटरसाइकिल है भाई, मोटरसाइकिल और भाई आप किधर से आ रहे हो, कितने खूबसूरत लाइटें लगा दी। ये देख लो ये बर्फ़ है भाई, देख लो बर्फ़ यहाँ पे, बर्फ़ देख लो फुल सफ़ा बर्फ़ है। आपको पता है आप इसको ऊपर से काट लें अंदर से निकालें ना फुल आप यूज़ कर सकते हैं। है काश तभी होती गैस तभी यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं, वो भी चिलम बाज़ार में भी नहीं मिला, चिलम बाज़ार में भी हमें नहीं मिला, कोशिश कर रहे थे वहाँ से हम लोग उठा लें, लेकिन ना उनके पास गैस है ना लकड़ियाँ हैं ना कुछ है। आज़ाद कहते हैं ना आज़ाद उम्मीदवार कोई है, तो मैं देखते हैं लाख ऐसा पहुँचा है आगे बाज़ार की तरफ ताकि फिर हम लोग आपको इससे आगे। तो भाई लोग अभी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है भाई जान लोग? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी हम लोग आए हैं यहाँ बर्फी इलाके में, मेरे साथ है सिंधी साहब, यहाँ है पश्तो, वहाँ है बालू, गाड़ी चला रहा है। तो भाई अभी तक हम लोग देवसाई
पहुंचे नहीं पहुंचे अल्लाह जाने, क्योंकि यहाँ से तो हम लोग आप लोग रास्ता आप लोग देख सकते हैं, रास्ता आप भी देख भाई आप लोग देख सकते हैं जो है रास्ता है यहाँ पे बर्फ। इस जून जुलाई में, ये जून में इस तरह, जुलाई में इस तरह, ये सर्दी में किस तरह होगा। बस अभी तक हम लोग जा रहे भाई, मेरे ख्याल से तकरीबन 30-35 किलोमीटर बचा हुआ, लेकिन इस ट्रैक की वजह से ना 10-20 के स्पीड से आप ज़्यादा नहीं चला सकते। और हम लोग ने आगे हम लोग जो है ना, असल में हमने लकड़ी नहीं मिला था ना, तो और गैस भी नहीं था सिलेंडर पे, तो इसी वजह से। और हम लोग यहाँ से अभी जा रहे हैं भाई, ये रास्ता है आप लोग देख सकते हैं। और ये सलाम है भाई खलील भाई को जो इतना चला रहे हैं भाई, सलूट है भाई। ये क्लासिक गाड़ी में इतना चलाना भाई जोर मांगता है, खुदा की कसम यार, किसी के पास की काम नहीं है वाला। और अभी यहाँ से कितना बचा हुआ है आगे अल्लाह जाने कितना बचा हुआ है, हम लोग तो चलते जा रहे हैं। अभी मसला दूसरा, असल में मसला क्या है ना, अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी अंधेरे में हमें क्या पता है किधर हम लोग पॉइंट किधर है जो हम लोग अपना कैंपिंग करें। और ऊपर से खाना पकाना है, और सारा जो एक महीने का जो राशन है, ये जायज़ है ना, जो शादी का जायज़ जो हम लोग ने उठाया अपने साथ ना, ये उतारना, ओए हो, फिर से लोड करना, ये ऑफ लोडिंग अनलोडिंग, ये तो अजाब है, दुनिया का सबसे बड़ा अजाब जो हम लोग के पास आता है ना, ये सामान है। बस अल्लाह खैर करे, अभी पता नहीं किधर है शहर, किधर है इलाके, किधर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग देवसाई से निकल रहे हैं, करदूक पहुँच रहे हैं, खुदा की कसम मुझे तो यही लग रहा है। खैर अल्लाह खैर से पहुँचा है, अभी देखते हैं आगे कहाँ तक हमें ले जाएंगे। मलिक साहब हर टाइम बस थम्सअप दिखाते हो, कुछ तो कहा करे, तो क्या बोलूं, जो नज़ारे का जगह था उसमें अंधेरा हो गया इसलिए मैं सदमे में हो गया। गाड़ी चलाते दोपहर से स्टार्ट किया, अभी तक चला ही रहे, बस शुक्र की खाना खाया, कसम खुदा की शुक्र हम लोग एक दूसरे को खा जाते शुक्र के खाना खाया ये सही चीज किया, शुक्र के राशिद ने। उधर हमारे दोस्तों में ऐसे किसी को भूख की बर्दाश्त नहीं, किसी को नींद की बर्दाश्त नहीं, किसी को प्यास की बर्दाश्त नहीं, पकौड़ा ही चाहिए। हाँ किसी भाई, एक मैं नाम नहीं लूंगा भाई, लगे हुए रास्ते में पकोड़े। और ना एक बंदा हम लोग के साथ है ना, रात को अभी सोने वाले थे, कहता है सुबह इंशाल्लाह चाय और पराठा रेडी है, चाय और पराठा रेडी है। और सबसे लास्ट में वो उठा है सर, ऐसा देख रहा है उधर, कहता है क्या हो रहा है। बस ऐसे समझो बना खिलाओ ना, रुसवा हो जाएगा स्पेशल पराठे। मैं तुम्हारे साथ हूँ आप इसके साथ हो? हाँ तो लाजमी, एक बंदे का काम नहीं है थोड़ी है, फिर हम ट्रेनिंग करके आए कि पराठे के बस टेढ़े पेढ़े कोई ईरान का नक्शा पाकिस्तान का नक्शा है। कल रात को भाई लगे हुए भाई काना भूख बेड़ा गर्क हुआ है, भूख से बेड़ा गर्क हुआ है भाई, दाल यहाँ से दाल का तड़का, यहाँ से चावल फिलान डिमकान ये वो। आखिर में आया जो पीछे कमांडो साहब बैठा हुआ है ना, सबसे कम इसने कहा है, इससे तो बेहतर मैं था, मैंने कहा वो उधर से, तो भाई कामराम भाई ने तो अपना हिस्सा माशाल्लाह पूरा किया, ये मलिक साहब ने भी अपना पूरा किया। मैंने दो प्लेटें खाए भाई, भूख लगा था, खाने में असरा नहीं करना है, कच्चा हो पक्का हो जैसे हो, पेट का ख्याल कर रहे हैं भाई, लाजमी है। बंदा है दिन में भी पकोड़े, ख्वाब में भी पकोड़े, किस्मत में इसका पकोड़े लिखे ही नहीं है नहीं भाई, एक बंदे ने बताया कि भाई मैं पकोड़े बनाऊंगा, एक बंदे ने कहा मैं पकोड़े बनाऊंगा, अभी देखते हैं कि वो पकोड़े बनाएगा। बनेंगे कब, पिकनिक में बनेंगे या घर में बनेंगे भाई? असल चीज एक और चीज आपको बताऊं, अभी हम लोग को सातवां या आठवां दिन हम लोग का राइट ट्रिप में, भाई से हम लोग 16 भाई, हम लोग 17 से कैंपिंग शुरू किया हम लोग ने, 17 से हिसाब लगाओ, 17, 18, 19, 20, 21, 22 छठा दिन है हम लोग ने नुश्की जो मेरा गांव है वहां से हम लोग ने एक मशीन लिया है जो कबाब है बारबेक्यू वाला ना, वो अभी तक गाड़ी से उतरा नहीं है, वो गोश्त तो हम लोग ने लिया नहीं है, गोश्त मिल नहीं रहे तो ले कहां से, अमेज इलाकों में वहां पे जो मुर्गियों को जो नहीं चावल डालते वो मिल रहे और कुछ नहीं मिल रहा है, लकड़ी तक नहीं मिल रहा, गेंद तक नहीं मिल रहा, गोश्त कहां से लाएं भाई, गोश्त मिल रहे हैं जम गए थे कुछ जगह, हर चीज जमे हो चुके, मुर्गी का गोश्त ये लोग खाते नहीं, कि अभी वो बीमारी है,
बोलते बकरे का किला हो, दुम्बे का किला हो, ऊंट का किला हो, याक का किला हो, ईरान का किला हो, तो वो तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, समझा करो ना। बस वो इसी तरह जिस तरह हम लोग ने वो लाया, वो कैंपिंग वाले वो बारबेक्यू वाला मशीन, वो उसे इसी तरह लेके जाना है वापस। खैर से अभी चले देखते हैं आगे, अभी कितना बचा हुआ है सफर, अल्लाह खैर से पहुँचा है आगे एक स्टॉप पे। बस दुआ करें कि जल्द से जल्द पहुँचे कई शहर पे, तो वहीं पे आप लोग से मुलाकात होगी। तो दोस्तों 7:03 पे हम लोग ने दिए उसाई नेशनल पार्क से एंट्री मारी है, क्योंकि यहाँ से हमें बताया गया था कि काला झील, काला पानी और क्या नाम है दूसरा झील भी है इनका, और यहाँ पे जंगली जानवर भी है। खैर हमारे साथ जो स्टाफ नहीं है जो हम फिलहाल कैंपिंग कर सके, जो है गैस और लकड़ियाँ, और अभी टाइम हो रहा है 9:06 और अभी तक हम लोग सफ़र में, मतलब भाई सही सीधी सी बात है, मैं आप लोग को एडवाइस दे देता हूँ, मैं आप लोग को सजेशन दे देता हूँ कि आप लोग देवसाई जो है ना, मतलब एक झील है, वो झील है चार, उसके आर पार बर्फ़ है और कुछ नहीं है, सीधी सी बात है वहाँ पे और कुछ नहीं। खूबसूरती जो है ना वो पहाड़ पे ग्रीनली विद क्या नाम है स्नो, होटल रेस्टोरेंट्स कुछ नहीं है। अभी फ़िलहाल मैंने देख रहा था दो, वो भी बड़े बड़े बहुत दूर दूर फासलों में, और ये रोड भी ऐसा है कि आप 10-20 से स्पीड आप जा नहीं सकते, ख़त्म है बिल्कुल ख़त्म, और हम लोग भी ख़त्म हो गए यहाँ पे 4x4। सीरियसली यहाँ पे 4x4 छोटी गाड़ी आएंगे आप अपनी गाड़ी तोड़ देंगे, ख़त्म हो जाएगा गाड़ी, लेकिन शायद आप अपने डेस्टिनेशन भी ना पहुँचे इस ट्रैक की वजह से। खैर से अभी तो सफ़र कर रहे हो, नेटवर्क भी नहीं है, इंटरनेट का नेटवर्क भी नहीं है कि बंदा क्या नाम है दे चेक करे, मतलब आप चेक कर लें कि आप है कहाँ, नेटवर्क भी नहीं है, खुदा ना खासा कुछ हो गया एमरजेंसी कॉल, कुछ नहीं। और जो फॉरेस्ट के ऑफिसर्स हैं वो उस गेट से ये दूसरे गेट पे बैठे हुए हैं बिल्कुल बेगम होके, बस आप पे कर लें पर हेड वो 300 दरम लेते हैं, 300 रुपये लेते हैं और 300 रुपये लेते हैं और कुछ नहीं, उन्हें काम नहीं है आप पहुँचे ना पहुँचे, दुनिया खैर खैरियत है उनके लिए। हैरान हम लोग कहाँ पे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग ये देवसाई से, क्योंकि एक रास्ता भी है स्कर्दू के तरफ भी जाता है, अभी हम लोग कहाँ पे पहुँचेंगे, कहाँ पे कैंप लगाएंगे, कहीं और ना पहुँच जाए खुदा की सब, ये बात भी है। खालिक भाई किधर हो, ये खालिक भाई हर टाइम कहते हैं ना के टू, हमें ऐसा ना हो कि K2 के पहाड़ पे पहुँच जाए, इंशाल्लाह वो कहते हैं इंशाल्लाह बस अल्लाह गैर खैरियत से पहुँचा दे, को साथ ले जाएगा K2 के पहाड़ पे। शहर पे पहुंचने की लाइटिंग वो कुछ हो, चढ़ाई पे भाई जा रहे बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया खुदा की कसम। अभी क्या अभी रोकना चाहते थे बाहर हम लोग, उन्होंने कहा सब भाई कड़ा हो जाए फ्रेश हो जाए, और सीरियसली बता रहा हूँ मैं मजाक के अलावा, हम लोग को क्या नाम है बियर मिला, वो भी बहुत छोटा था मेरे ख्याल से, छोटा बच्चा था, लेकिन जो तस्वीर इन लोगों ने लगाया ना वो जो नेशनल ज्योग्राफी में दिखाते ब्राउन कलर की बड़ी वाली बेग, उस तरह नहीं, ये काले वाली थी, ये काली थी छोटी थी, जब लाइटें लगाया उसकी तरफ लगा करके भाग रही थी। तो हम लोग ने कोशिश यही था कि हम लोग पर चढ़ाई था, आगे से चढ़ाई भी था, हम लोग कोशिश ये कर रहे थे कि भाई हम जो है क्या नाम है रुके लाइट लगाएं, लेकिन बहुत गंदी चढ़ाई थी, तो उधर से एक दफ़ा हम लोग चढ़ गए फिर वो नज़र भी नहीं आ रहा था नीचे की तरफ से, इसी वजह से हम लोग बोला खड़े होके यार थोड़े से फ्रेश होते हैं, लेकिन हनी भाई कहते हैं यार सेफ नहीं है, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए ना, बस इतना हम लोग ने सफ़र किया आगे और करते हैं देखते हैं अल्लाह खैर करेगा। ये है भाई रास्ता जो ख़त्म होने का नाम निशान भी नहीं है, बाजार की तरह पहले लाइटें नजर आए, रोड नजर आए, बाजार का तो खैर है यार, बर्फ़ बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है, बर्फ़ ही बर्फ़ माशाल्लाह यार। देखे एक सेंस की बात होते, अभी 1800 ये लोग ले रहे हैं, मतलब 1800 ये लोग ले रहे हैं हर गाड़ी से, ये लोग ले रहे हैं ये, इसके बावजूद ही लोग इतना तो कर रहे भाई, इतना गाड़ी आ रहे जा रहे, तो पैसे रोड तो बनाओ यार, चलो खैर हम लोग आप लोग से आगे मिलते हैं इंशाल्लाह खैर से।
किलोमीटर है। पहले बता रहा था कि 6 को 5:30 को पहुँचोगे, फिर 6:30, फिर 7:30, फिर 8:30, 9:30, अभी 10:10 बज के 10 मिनट। जा रहे हैं, बैटरी भी डाउन होने वाला है, सलाह कर इधर से निकले। कैमरा का बैटरी भी ब्लिंक कर रहा है, कोई मसला नहीं है, मोबाइल से बना लो भाई। नेट भी चला गया, गुड शॉट, नेटवर्क भी चला गया। अजीब रास्ते यहाँ पर, अरे यहाँ पे बर्फबारी में किस तरह लोग रास्ते निकालते हैं, कैसा होगा एक ही जगह जाते हैं ना, वही रास्ता बनता है ना।